हमारा आता है आज के टॉपिक का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि स्पेक्ट्रम के रूप में मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों को बताऊंगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार को समझाऊंगा और विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग, उन प्रकारों के संबंध में जो उपयोग हम तो मैं बताऊंगा। सबसे पहला हमारा आता है, यहाँ पे बात करते हैं हम रेडियो तरंग। रेडियो तरंग मैंने यहाँ पे पूरा वर्गीकरण के साथ लिखा, मैं पहले बताऊंगा नाम, फिर बताऊंगा उसकी परास, मतलब उसकी वो कितनी दूरी तय कर सकती है, फिर बताऊंगा उसका उत्पत्ति स्रोत, फिर बताऊंगा उसका उपयोग और फिर उसके कोई विशेष गुणधर्म होंगे, मतलब इंपोर्टेंट जो है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहला हम लेते हैं रेडियो तरंग। ये कुछ किलोमीटर से 0.1 मीटर तक आवृत्ति में चलती है। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज तक होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है दोलने परिपथ यानी LC परिपथ से होती है। चालक तारों में इसका संचरण होता है, एंटीने के तारों में इसका संचरण होता है। फिर देखते हैं रेडियो में इसका यूज होता है FM के रूप में और AM के रूप में। फिर टीवी में 54 मेगा हर्ट्ज से लेकर 870 मेगा हर्ट्ज तक इसका यूज होता है। सेल फोन में इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में इसका यूज होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, विशेष है, वो है लैम्डा इज इक्वल टू मैक्स। इसकी जो लैम्डा होती है मतलब परास होती है, हम बात करते हैं इसकी जो परास होती है वो सबसे अधिक होती है, लंबी दूरी तक इसका संचरण होता है। फिर बात करते हैं सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती है 0.1 मीटर से 10^-3 मीटर, देखो ये घटते क्रम में मैं बता रहा हूं आपको, इसकी परास 0.1 मीटर से 10^-3 मीटर तक चलती है। इसका निर्माण होता है क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड, ये सभी विद्युत चुंबकीय युक्तियां हैं। और इसका उपयोग मैंने यहाँ भी लिख दिया, पहला इसका उपयोग है संचार प्रणाली में वाहक तरंग के रूप में, कैरी वेव्स के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा उपग्रह संचार प्रणाली में इसका यूज होता है। तीसरा रिमोट सेंसिंग में इसका यूज होता है। चौथा यहाँ से रडार की स्थिति, रडार की जो पोजिशन है, रडार में जो एरोप्लेन की पोजिशन है उनका उनको देखने के लिए इसका यूज होता है। चाल मापक यंत्र का मतलब होता है स्पीड एनालाइजर जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। चौथा और सबसे इंपोर्टेंट है वो माइक्रोवेव जो हमारे घरों में होते हैं उनमें इसका यूज होता है। और इसका सबसे इंपोर्टेंट यूज है गीगा हर्ट्ज आवृत्ति में, इसका सबसे इंपोर्टेंट है गीगा हर्ट्ज आवृत्ति, जो हमारे GB जो हम काम लेते हैं गीगा हर्ट्ज उसमें इसका यूज होता है। फिर हम बात करते हैं अगला अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का मतलब होता है गर्म तरंग। गर्म तरंग कैसे है ये गर्म तरंग, इसको गर्म तरंग भी कहते हैं। और ये गर्म तरंग क्यों है, इसकी जो परास है वो 10^-3 मीटर से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर। ओके, अगला हम देखते हैं गर्म तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो गर्म पदार्थ अथवा गर्म अणुओं से होता है। इसका जो यूज है वो फिजियोथेरेपी में अर्थात हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र में है इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं कोहरे तथा धुंध को समाप्त करने में फॉग लैंप जो गाड़ियों में लगे होते हैं, इंपोर्टेंट बताना चाहूंगा, फॉग लैंप में इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं नाइट फोटोग्राफी, जो अवरक्त फोटोग्राफी होती है इसमें इसका यूज होता है। चौथा और इंपोर्टेंट है कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ से कि ये रिमोट नियंत्रक में, अभी हमने ऊपर एक पढ़ा था रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक था रिमोट सेंसिंग और एक है रिमोट नियंत्रण। रिमोट नियंत्रण और रिमोट सेंसिंग में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए मैंने इसको विशेष गुण में लिखा है कि इसका जो यूज होता है वो रिमोट नियंत्रक में इसका यूज होता है। फिर देखते हैं दृश्य तरंग, जो हमको आंखों में दिखती है जिनका हम प्रयोग करते हैं देखने के लिए, दृश्य तरंग कहते हैं। ये 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 38 एंगस्ट्रॉम के रूप में विपक्योर, जिसका हम घटते क्रम में पढ़ रहे हैं। फिर बात करते हैं इसका जो निर्माण होता है वो परमाणु की संक्रमण जो बामर श्रेणी होती है उसमें इसका यूज होता है। फिर इसको सुंदर दृश्य में देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं यूवी रेज का मतलब होता है पराबैंगनी किरण जो होती है वो सूर्य से बनती है। फिर ये 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक की दूरी तय करती है। इसका जो यूज है वो जल शोधक में वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है, नोटों की जांच में, बैंकों में इसका यूज होता है, आंखों की शल्य चिकित्सा और लोहे की वेल्डिंग में इसका यूज होता है। और ये सबसे हानिकारक है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए ओजोन परत जो होती है O3 लेयर जो होती है वो सूर्य से आने वाले किरणों की से हमारी रक्षा करती है। फिर हम बात करते हैं सबसे आगे जो इम्पोर्टेंट हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट है एक्सरे, एक्स तरंग है। ये 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.01 एंगस्ट्रॉम तक चलती है। ये अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की धातु सतह से टक्कर कराने पर उत्पन्न होती है। इसका यूज जो होता है वो स्टेशनों पर या एयरपोर्ट पर छुपे हुए औजार है, धातु है, उनके सामान को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है।
क्रिस्टल जालक में इनकी संरचना को देखने के लिए, कोई भी क्रिस्टल है उसका अध्ययन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आता चिकित्सा क्षेत्र में, जब हमारी कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं तो हम एक्सरे कराते हैं, वो इसी एक्सरे का यूज करके हम एक्सरे करवाते हैं। फिर देखते हैं कैंसर थेरेपी में इसका सबसे ज्यादा यूज है टिश्यूज को खत्म करने के लिए। फिर हम देखते हैं गामा रे, गामा रे सबसे हानिकारक रे होती है। हानिकारक रे इसलिए है क्योंकि नाभिकों के संक्रमण से इसका निर्माण होता है, नाभिक से इसका निर्माण नहीं होता, इसका निर्माण होता है नाभिकों के संक्रमण से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं भेदनकारी के रूप में इसका यूज किया जाता है, और शरीर पर सबसे हानिकारक के रूप में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, सबसे अधिक होती है, और इसकी जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। इसका कारण है कि नाभिकों के संक्रमण से बनी है, और नाभिकों के संक्रमण से बनने के कारण इसकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। ओके, तो आज के टॉपिक में यहीं तक खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा।